2005 के एक वीडियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस वीडियो में ट्रंप महिलाओं के बारे में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद कई रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। अब इस वीडियो पर ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। मेलानिया ने आरोप लगाया है कि उनके पति को ऐसी बातें कहने के लिए उकसाया गया था। CNN को दिए अपने इंटरव्यू में मेलानिया ने कहा, मैंने मेरे पति से कहा कि आप जानते हैं कि भाषा अनुचित थी, ये स्वीकार्य नहीं है। मैं स्तब्ध थी क्योंकि वे ऐसे नहीं हैं। उन्होंने ट्रंप और एक्सिस हॉलीवुड के मेजबान बिली बुश के बारे में कहा, दोनों लड़कों जैसी बातें ही कर रहे थे, उन्हें उकसाया गया। बिली ने उन्हें बातों में उलझाया ताकि वो गंदी और खराब बातें करें। मेलानिया ने आगे कहा, जैसा कि टेप में आप देख सकते हैं, सभी कैमरे बंद हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये पता था कि माइक चालू है। गौरतलब है कि वॉशिंगटन पोस्ट के पास मौजूद इस वीडियो में ट्रंप बुश के साथ महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद कम से कम 9 महिलाओं ने 70 साल के ट्रंप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इनमें से ज्यादातर मामले 5 साल से लेकर 3 दशक तक पुराने हैं।